सबसे पहले तो हम सभी नगर वासियों को अस्सलाम वालेकुम, जिला वासियों को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करते हैं। अपने नगर वासियों एवं जिला वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और सबसे पहले तो यह है, आज हम लोगों का जो 30 दिन का जो रमज़ान है बहुत अच्छे और पूरे मतलब बहुत ढंग से जो है हम लोगों का बीता है। और अफसोस भी है जाने का और ख़ुशी भी है कि हम लोगों ने 30 रोज़ा को कंप्लीट पूरी ईमानदारी से किया है। और सबसे बड़ा इस बार का रमज़ान में बहुत अच्छा माहौल रहा, सब लोग हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के यहाँ आ करके बैठ करके एक साथ अफ्तार किए, एक अच्छा माहौल लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि इसी तरह रमज़ान हम लोगों का बीते, एक भाईचारा भी जो है साथ में चला हम लोगों का। और इस बार ईद जो है ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का जो है हम लोगों को जो है समय मिला। और पिछले कोरोना के कारण जो हम लोग ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ पाए, उसका बहुत अफसोस था, बहुत कमियां थी। लेकिन इस बार अल्लाह ने मौका दिया है कि इनका नमाज हम लोग ईदगाह में पढ़ेंगे। और एक अलग माहौल है इस बार ईद का, लोगों में जोश है। और इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे कि इसी तरह यह माहौल हर साल बना रहे। एक बार फिर से अपने नगर वासियों एवं जिला वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं।